महल मना रे, आंख बना ले, महल मना रे, लाख बना ले, दिल न बसा तो क्या, इश्क तब दे आप पढ़ ले बल्ला, इश्क खुदा तेरा। सब कुछ है यही रह जाना, चित बना दे, जीद करा दे, याद मेरा साया, नांझण मेरा, माही मेरा, ढोल मेरा साया। मचानी, चचा जान ने बहुत गलत हरकत की है, लेकिन जो कुछ उसने किया है उसका नतीजा उसे भुगतना तो पड़ेगा। सच्चाई तो ये है कि मुझे मानूर से ज्यादा तुम पसंद है। जानती हूँ, आपको तो हर दूसरी लड़की पसंद आ जाती है। मैं मजाक नहीं कर रहा। ज़ैबुन्निसा के जुल्म की रात अब खत्म होने वाली है। वो और जो जो शख्स मेरे शौहर के कत्ल में शामिल, जिसने मेरी बेटी को मुझसे छीना, उन सबको अपने किए की सजा भुगतनी पड़ेगी। क्यों सोग मना रहा है? तीन चार दिन की तो बात है, आ जाएगी शहजादी तो मिलनी। लेकिन अब वो साबित खान के साथ आएगी ना? ओह, ये तो वाकई मसला। जब उसकी शादी हो जाएगी तब क्या करेगा? शक्ल अच्छी नहीं है तो बात तो अच्छी कर दिया कर। इसमें ऐसी क्या बात है? उसकी आबिद से शादी तय है, तूने ही तो बताया था। ये तो जबरदस्ती की शादी है ना? जबरदस्ती की हो या खुशी की मेरे दोस्त, तू कुछ नहीं कर सकता। तू बात समझ नहीं रहा है, आबिद खान को बिल्कुल पसंद नहीं करती, अपनी दादी के सामने मजबूर है, उसको किसी अपने की जरूरत है जो उसकी मदद करे, पर वो सिर्फ उसकी माँ ही हो सकती है। कैसे बच्चों वाली बातें कर रहा है यार? जिस औरत ने 18 से 20 साल उसको नहीं पूछा, अब क्या कर लेगी? यार तू समझ नहीं रहा, मानूर आबिद से शादी पर खुश नहीं, और वो अपनी दादी के आगे बिल्कुल मजलूम है। उसको कोई अपना चाहिए जो उसकी मदद करे, और वो सिर्फ उसकी माँ ही हो सकती है। अच्छा, कहाँ से ढूंढेगा उसकी माँ को? उसके पुराने मोहल्ले से, शायद वहां से कुछ पता चल जाए। फर्ज करो अगर तुम्हें मिल भी जाती है और वो तुम्हारी मदद नहीं करती, फिर तो तब की तब देखी जाएगी ना यार। तो एक बात याद रख, मैं कुछ भी कर सकता हूं। वो बहुत मसलूम है यार, उसको अकेला नहीं छोड़ सकता। तो क्या उसे घर से भगा लेगा? हो सकता है, भगाना पड़ जाए, लेकिन पहले उसकी माँ का पता लगाना बहुत जरूरी है। अगर उसकी माँ का पता लग गया ना तो बहुत से मसले हल हो जाएंगे। वो क्या नाम बताया था तूने? रिफत, रिफत हाशिम खान। आबिद खान अगर यहाँ ना होता तो बीजान से निपटना मुश्किल नहीं था, लेकिन बड़ी शातिर औरत है बीजान, बेटे को बाप के सामने खड़ा करना चाहती है। सर मेरे जहन में एक आइडिया आया, अगर आप पसंद करें तो बता दो। बोल सर। शतरंज के खेल में बड़े से बड़े मोहरे को बेबस कर दिया जाता है, आप ही बेगम साहब की बात मान लें और उनकी चाल को उन्हीं पे उलट दें। पहेलियों में बात मत करो, साफ साफ बोलो क्या कहना चाहते हो। सर आप बेगम साहब की बात मान लें। मुराद अली। सर आप प्लीज पूरी बात तो सुने।
सर आप बेगम साहब की बात इस शर्त पे कबूल करें कि आप चेयरमैन और आबिद साहब एमडी होंगे। नहीं, मुझे फैक्ट्री में देखना नहीं चाहते, कभी नहीं मानेंगे। सर आप बेगम साहब से कहें कि ये एडजस्टमेंट आरजी होगी, जैसे आप इस सब काम सीख जाएंगे फैक्ट्री इनके हवाले कर देंगे। लेकिन अगर आबिद खान एमडी बन गया तो तमाम इख्तियारात उसके पास होंगे और प्रैक्टिकली वो बीजान की बातें मानना शुरू कर देगा। सर इख्तियारात होना अलग चीज और इनका इस्तेमाल अलग चीज। आबिद के चारों तरफ आपके वफादार लोग होंगे, होगा वही जो आप चाहेंगे। आइडिया तुम्हारा बुरा नहीं है, लेकिन आबिद खान एक खुद सर लड़का है, कुछ भी कर सकता है। सर इनके लिए खूबसूरत सेक्रेटरी का बंदोबस्त कर लेंगे तो फिर इनको आगे पीछे देखने की जरूरत नहीं होगी। तुम जरूरत से ज्यादा कमी नहीं हो। बीजान अपने पुपा जान को खामखास जहमत दी, ऐसे ही हमारी बातों से तकलीफ होगी इनको। नहीं वलीद खान, मेरा हर इम्पोर्टेंट फैसला इनकी मौजूदगी में होता है, तुम परेशान मत हो। बीजान ये आपसे माफी मांगने के लिए, इनको अपनी गलती का एहसास है और ये बहुत शर्मिंदा है। आप जो भी फैसला करेंगी ये कबूल करेंगे। लेकिन इसमें आपकी सिफारिश की क्या जरूरत है फरजाना बीबी? वलीद खान के मुंह में बहुत लंबी जबान है, ये बहुत ऊंचा बोल सकते हैं, खुद बोलेगा ही। बीजान फरजाना बिल्कुल ठीक कह रही है, अब उस दिन जो कुछ भी हुआ मैं बहुत शर्मिंदा, माजत ख्वाह हूँ आपसे। मैं खुश हूँ वलीद खान कि तुम्हें कम से कम इस बात का एहसास तो हुआ। बीजान ये तो फैक्ट्री भी आबिद के हवाले करने पर राजी है, लेकिन लेकिन बीजान आपसे अर्ज है फिलहाल आप आबिद खान को फैक्ट्री का एमडी बना दीजिए और चेयरमैन का ओहदा मेरे पास ही रहने दीजिए। अच्छा, तो बाप चेयरमैन और बेटा एमडी, यानी सारे फैसले आप ही लेंगे। जान फिलहाल आप ऐसा ही कर लें, मैं शादी के बाद फैक्ट्री आबिद खान के हवाले कर दूंगा और खुद जमीनें देखूंगा। बीजान आप ये देखिए कि इसमें हर जी के बाप की मौजूदगी में आबिद भी कुछ सीख लेगा। और शादी के बाद तो सब कुछ उसी ने संभालना है, थोड़े दिनों की बात है। मैं भी यही चाहती हूँ बिल्कुल कि मेरी जिम्मेदारियां कम, लेकिन महनूर और आबिद खान की शादी से पहले माजी के सारे हिसाब साफ कर दिए जाए। बीजान फैक्ट्री के अलावा बाकी और कौन सा मसला? मानूर की शादी के बाद तुम्हारा और हमारा एक और रिश्ता कायम हो जाएगा। मैं नहीं चाहती कि शादी के बाद माजी का कोई भी तलख बाप फिर से खुले। तो ठीक है ना बीजान, जो भी गलत फहमी उसे आज यहाँ पर दूर कर। 18 साल पहले हमारा एक आदमी गायब हो गया था, तुम उसे बहुत अच्छी तरह जानते हो वलीद खान, बशीर खान। मेरे आदमियों ने उसे बहुत तलाश किया लेकिन वो मिला नहीं। मुझे पता चला है कि उसका ठिकाना तुम बहुत अच्छी तरह जानते हो। बहुत पुरानी बात है बीजा, लेकिन फिर भी
आपकी खातिर मैं पता कराऊंगा। पता नहीं वो जिंदा भी है या नहीं। मुझे वो हर सूरत में चाहिए वलीद खान, जिंदा या मुर्दा। शादी का फैसला उसके बाद ही होगा। मगर बीजा, इस बात का शादी की तारीख से क्या ताल्लुक? मैं हर बात का जवाब देने की पाबंद नहीं हूं फरजाना बीबी। बीजान, अगर बशीर खान जिंदा ना हुआ तो मैं सोचूंगी कि तुम पर मजीद भरोसा किया जाए या नहीं। हाँ बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, पढ़ाई कैसी जा रही है? That's very good. अच्छा ये बताओ, खाने वाने का ख्याल करते हो अपने? Good boy. हाँ हाँ बस तुम अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दो, ठीक है? हाँ हाँ ठीक है बेटा, चलो फिर बात होती है। आई लव यू टू, अल्लाह हाफिज। फरुख बेटा ठीक है ना? ठीक है, अल्लाह उसे हमेशा खुश रखे। आमीन। भाभी मुझे डर है कि कहीं रहीम गुल आपके बारे में ज़ेबिन सा बेगम को ना बता दे। नहीं आरिफ भाई, वो ऐसा नहीं करेंगे। आप तो जानते हैं गुल बाबा ने हमेशा हाशिम का साथ दिया। वो तो ठीक है भाभी, लेकिन अब हाशिम नहीं है। अब मेरे ख्याल से आपको वहां अकेले नहीं जाना चाहिए था, आपको नुकसान भी पहुंच सकता था। ऐसा कुछ नहीं होगा, आप बेफिक्र रहिए, मुझे गुल बाबा पे पूरा भरोसा है। और वैसे भी वो अगर मुझे फायदा नहीं दे सकते तो कम से कम नुकसान भी नहीं देंगे। और सच बताऊं तो अब सब्र नहीं होता। मैं आपको बता नहीं सकती मैंने इतने सारे साल अपनी बेटी मानू के बगैर कैसे गुजारे। भाभी बस थोड़ा सा सब्र और कर ले। देखें, दुनिया का कोई भी कानून एक माँ को बेटी से मिलने से नहीं रोक सकता। लेकिन वकील साहब भी तो कुछ नहीं कर रहे, अभी तक नोटिस तक नहीं भेजा उन्होंने। नहीं ऐसी बात नहीं भाभी, एक्चुअली वो इस केस पे हल्का हाथ नहीं डालना चाहता। अभी वो हाशिम के केस को स्टडी कर रहे हैं, उसके बाद वो केस दायर कर देगा। प्लीज आप जल्दबाजी से काम ना लें। देखें, हाशिम के कातिल अब भी मौजूद हैं। इसका मतलब ये है कि आपकी जिंदगी को अब भी खतरा लाहक है। अरे भाई, मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है। मुझे डर है तो सिर्फ इस बात का कि कहीं वलीद के बेटे से उसकी शादी ना कर दें वो। ठीक कह रही हैं आप। चले मैं शकील से कहता हूं कि वो जल्द अज जल्द नोटिस भेज दें, लेकिन आपको एक प्रॉमिस करना पड़ेगा, इस दौरान आप मजीद किसी एडवेंचर में इन्वॉल्व नहीं होंगी, प्लीज। ठीक है। और हाँ, एक खुशखबरी बताना भूल गया, हुमायूं की पोस्टिंग यहां हो गई। हुमायूं कौन? मैंने बताया तो था, मेरे दोस्त का बेटा है, बड़ा दबंग अफसर है। अच्छा, ये तो बहुत बड़ी खबर है। लगता है कुदरत भी हमारा साथ दे रही है। बेशक, मायूं के आ जाने से हमें अपने इस केस में बहुत हेल्प मिल जाएगी इंशाल्लाह।
बशीर, क्या हाल है? बशीर, देख तुझसे कौन मिलने आए हैं। सरकार, ओए सरकार, तुझसे खुद मिलने आए हैं। सरकार, आप इतने अरसे के बाद आए हैं। सरकार सरकार, मैं तो गुलाम था आपका, और मेरा बाप भी आपका गुलाम था। सरकार सरकार, मेरा कसूर क्या है? अगर ये कैद कब खत्म होगी? सरकार सरकार, मुझे आजाद कर दे। सरकार मालिक, मैं बनने से पहले अपने बच्चों को देखना चाहता हूँ। देख बशीर, जिस दिन तुझे यहाँ से आजादी मिली ना, अगले ही दिन तुझे जिंदगी से भी आजादी मिली। हाशिम खान की मौत के बाद तेरा नंबर था। अगर मैं तुझे यहाँ कैद ना करता तो तू जिंदा ना रहता। जान किसी कीमत में तुझे जिंदा ना छोड़ती, मेरी वजह से आज तू जिंदा है। सरकार, ये कैसी जिंदगी है? सरकार सरकार, मेरी आपसे जुबान, मैं पुलिस को कुछ नहीं बताऊंगा, बस एक बार मुझे आजाद कर दे। दूर निकल जाऊंगा सरकार, किसी से कुछ नहीं कहूंगा। ठीक है ठीक है ठीक है, मिल जाएगी तुझे आजादी, बहुत जल्द मिल जाएगी। लेकिन बशीर, तुझे करना वही होगा जो वली खान तुझसे कहेगा। जी जी सरकार, बिल्कुल वही करेंगे जो आपका हुक्म होगा। आप बोलोगे तो मैं अपनी जान भी दे दूंगा सरकार, लेकिन किसी से कुछ नहीं कहूंगा, बस एक बार मुझे आजाद कर दे। अच्छा इमदाद, सरकार इसका ख्याल रखो, इसको अच्छा खाना पीना दो, क्योंकि अब हमें इसकी जरूरत है। बेहतर सरकार। आपकी जागीर और रियाया आपके मुंतजर है। क्या हमारी रियाया नहीं है? मेहनत कश लोग हैं, मेहनत करते हैं और अपना मुआवजा हासिल करते हैं। जो भी है तो हमारे मोहताज ना। क्या हमारे मोहताज नहीं है? हम इनके मोहताज हैं।
अगर ये अपना खून पसीना ना बहाएं तो हमारी ज़मीनें बंजर हो जाएं, घरों के चूल्हे तक नहीं जलें। ये बातें कहाँ से सीखी आपने? दादी अम्मी को पता है इन बातों का? उन्हें मेरी बातें समझ में नहीं आती। तुम लोग मुझे घूरते रहोगे ऐसे? हाँ मालकन का हुक्म है छोटे सरकार, छोटी मालकन को अकेला नहीं छोड़ सकते। छोटी मालकन अकेली नहीं है, मैं इनके साथ हूँ। इन्हें यही रहने दो आबिद, इनके होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों कोई फर्क नहीं पड़ता? प्राइवेसी भी कोई चीज होती है, और इधर कौन है जो हमें नुकसान पहुंचाएगा? मगर कोई अगर मगर नहीं। जाओ तुम दोनों गाड़ी में जाके बैठो, जाओ। मैं यहां हूं। आप किसका इंतजार कर रहे हैं? जाहिर सी बात है, अगर आप यहां हैं तो आपको तो नहीं ढूंढ रही होंगी। आज से पहले मुझे ये जगह कभी भी इतनी खूबसूरत नहीं लगी, मगर आज मुझे ये जगह बहुत खूबसूरत लग रही है। और इसकी वजह बातें बनाना कोई आपसे सीखे। मैं बातें नहीं बना रहा, दिल की बात कर रहा हूं। मानूर मैंने 5 साल यूके में पढ़ा, हर तरह की लड़की से मेरी दोस्ती हुई, लेकिन तुम्हारी तरह की कोई भी नहीं। और सच तो यह है कि मैं वापस आपकी वजह से आया। क्या कर रहे हैं? हाथ छोड़े मेरा। आई लव यू। पीछे हटे, मैं अच्छी तरह से जानती थी कि आप ऐसी कोई हरकत करेंगे, इसीलिए मैं आपके साथ नहीं आना चाह रही थी। I'm sorry, मानूर। हमारी शादी होने वाली है और जरा सा छूने से तुम मैली नहीं हो जाओगी? क्या हुआ छोटे मालकिन? कुछ नहीं, जल्दी से गाड़ी निकालें, चलें। क्या हुआ छोटे सरकार? गाड़ी लेकर आ। जी जी जल्दी जी छोटे सरकार।
देखो मालिकन नाराज हो जाती है, सही ड्यूटी करो, ऐसे नहीं करेगा तुमको फिर छुट्टी हो जाएगा, समझ गया? जाओ अपना काम करो जाओ। और बात सुनो, तुम वो वाले सेट में देखो, सही है? चलो वो जाओ, बस तुम इधर ही रुको। छुट्टी मालिकन, छुट्टी मालिकन, छुट्टी मालिकन। पता नहीं जमीनों पर गई थी आबिद खान के साथ, वापस अकेली आई। आबिद खान के साथ? लगता है दोनों में कोई कटपट हुए। तुम बात सुनो, बड़ी मालकिन को कुछ नहीं बताना, समझा? पहले मैं छोटी मालकिन से बात करूंगा, उसके बाद खुद बता दूंगा। छोटी मालकिन, छोटी मालकिन, पता नहीं क्या हो गया। छोटी मालकिन, छोटी मालकिन, क्या हो गया छोटी मालकिन? कुछ नहीं, बस गुस्सा आ गया था। आबिद खान साथ नहीं आया? वो खादिमा बता रही थी कि आप ड्राइवर के साथ आई हैं। आबिद खान से कोई झगड़ा हुआ? बदतमीजी कर रहा था गुल बाबा, उसकी फितरत को अच्छी तरह से जानती हूँ, इसीलिए मैं उसके साथ नहीं जा रही थी। और अम्मा जानी, सब कुछ जानते हुए भी। छोटी मालिकन, लास्ट टाइम सब कुछ जानते बूझते भी आंखें बंद करनी पड़ती हैं। मैं ऐसा नहीं कर सकती गुल बाबा, मैंने उसकी बदतमीजी का भरपूर जवाब दिया, वो मेरा थप्पड़ हमेशा याद रखेगा। क्या आपने आबिद खान को थप्पड़ मार दिया? छोटी मालिकन, आप उन दोनों बाप बेटों को नहीं जानती। मुझे किसी की परवाह नहीं है गुल बाबा, लेकिन मैं अपने मिजाज और अपने सोल के खिलाफ कोई बात बर्दाश्त नहीं करूंगी। आज तो आपके अंदर छोटे खान जी की रूह नजर आ रही, आज तो आप बिल्कुल आशिम खान लग रही हैं। एक खुददार और रसूल परस्त इंसान था, गलत बात को बर्दाश्त नहीं करता था। खुश रहो, खुश रहो छोटी मालकिन, अब जो होगा देखा जाएगा। अल्लाह मालिक, अल्लाह मालिक। अदील, अदील कहाँ हो तुम? भाई ऐसी तो सारी उम्र निकल जाएगी, नहीं ढूंढ पाएंगे। हमारी कौम को कल का नहीं याद रहता, 18-20 साल पुरानी बात कहाँ याद रहती है। चल यार, कम से कम घर का तो पता चल गया ना, और हाशिम खान कोई आम आदमी नहीं था। किसी ना किसी को तो पता होगा कि वो कहाँ रहता था, कोई ना कोई जान पहचान वाला तो निकल ही आएगा ना। फर्ज करो पता चल गया, लेकिन बेगम रिफत तो उस टाइम कहीं चली गई थी ना, अब क्या फायदा? लेट्स सी यार, क्या करें। भाई साहब। जी बोले, क्या बात है? भाई साहब आप हाशिम खान को जानते हैं? वो इसी मोहल्ले में रहते थे, तकरीबन 18-20 साल पहले उनका एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया था। अरे भाई, 18-20 साल पुरानी बात किसको याद होगी, यहाँ तो लोग रोज एक्सीडेंट में मरते हैं। वो क्या कहते हैं कि आज मरा और कल दूसरा दिन, इतनी पुरानी बात किसको याद होगी। लेकिन फिर भी उनका एक्सीडेंट बहुत मशहूर हुआ था, वो आम आदमी नहीं थे। प्राइम मिनिस्टर थे क्या? क्या नाम बताया था आपने? हाशिम खान, उनकी एक बेटी भी थी और उनकी बीवी का नाम रिफत था। तुम कहीं हवेली वाले हाशिम खान की बात तो नहीं कर रहे थे?
जी 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 वही वही हवेली वाले। हाँ वो जिस घर में रहते थे उनके दोस्त का घर था, मेरे पड़ोस में। आरिफ साहब, डीएसपी आरिफ साहब, बड़ी दर्दनाक कहानी है उनकी। तो आप मुझे ये बता सकते हैं कि डीएसपी आरिफ का घर कहाँ है? नहीं भाई, वो तो उसी वक्त ही हाशिम खान के इंतकाल के बाद ही जहाँ से चले गए थे। आरिफ को भी तो मारने की कोशिश की गई थी, बेचारा एक हफ्ता हॉस्पिटल में रहा है, पता नहीं अब किधर है, जिंदा भी है या। अच्छा भाई साहब, अब क्या है? वो डीएसपी आरिफ किस हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था? उस वक्त तो एक ही हॉस्पिटल होता था, नेशनल अस्पताल। ओके जी, बहुत शुक्रिया। नेशनल हॉस्पिटल, नाम याद रखना। अब क्या नेशनल हॉस्पिटल जाएंगे? हाँ तो और क्या, हो सकता है वहां से हमें कोई रिकॉर्ड मिल जाए। चल छोड़ना यार, फिर किसी फुर्सत में चलेंगे। चल आज बहुत थक गया है, लेकिन कल हम जरूर जाएंगे। ओके हाँ हाँ पक्का। रेशम किधर है? मानूर बीबी हैं ये? उस वक्त तो तुसे कोई तैयार होकर हमारे पास होना चाहिए था। वो तो सो रही है मालकिन। सो रही? ये सोने का वक्त क्या हुआ? रात भर जागी है क्या? वो तो सुबह ही सोई है। सुबह सोई है? उसकी तबीयत खराब है या मेरी नरमी का नजायज फायदा उठा रही है वो? कल वो कोई बात हुई है, वो बहुत गुस्से में जमीनों से वापस आई थी। तो आबिद खान कहाँ था? नहीं मालकिन, वो तो अकेली आई थी और कल से अपने कमरे में है। कमरे में है? ये क्या हो रहा है इस घर में? ये क्या तमाशे हो रहे हैं? किसी को कुछ पता ही नहीं है? गुल बाबा को पता होगा, वो मिले थे उनसे। नहीं गुल, ये क्या हो रहा है? ये क्यों कमरे के अंदर बंद पड़ी हुई है? वो छोटे खान और छोटी मालकिन के दरमियान कुछ तलखी हो गई है। तलखी हो गई? किस बात पर? वो होना क्या था मालकिन, आप तो आबिद खान और उसके वालिद को जानती हैं। छोटी मालकिन ने बताया कि आबिद खान कुछ जरूरत से ज्यादा बेतकल्लुफ हो रहा था उनके साथ, तो वो नाराज होके घर आ गई। इसका मतलब ये है कि नाराज होकर सोग मनाया जाए और कमरा अपना बंद करके अंदर पड़ी रहे। समझा जाके उसको रेमगोल। मैं समझाता हूँ मालकिन। I love you. पीछे हटे। जरा सा छूने से तो मैली नहीं हो जाओगी? आबिद, क्या बात है बेटा, कल रात को भी मैंने देखा था कि तुम इसी तरह जाग रहे थे। बहुत रात हो गई है, सो जाओ। नहीं नहीं आरी, आप जाके सो जाइए। क्या तुम्हारा मानूर से कोई झगड़ा हुआ है? छोटी मोटी बातें होती रहती। देखो बेटा, अगर छोटी मोटी बात होती तो तुम इतनी रात को यहाँ पे ऐसे नहीं जाग रहे हो। अगर उसने तुमसे कुछ भी कहा है तो मुझे बताओ, मैं जाकर उसको सीधा कर दूंगी। अगर वो अपने घर की इकलौती है तो तुम भी मेरे इकलौते बेटे हो। मैं अपने हिसाब किताब खुद हल करना चाहता हूं, और आप प्लीज हम दोनों के बीच में मत आइए, सो जाए जाके। लेकिन बेटा मैं पहले ही बहुत परेशान, प्लीज छोड़ दे मुझे। देखो आबिद खान, मैं अपनी बात पूरी करके ही यहां से जाऊंगी, क्योंकि तुम्हारी किसी भी एक गलती से अरबों की जायदाद अगर हमारे हाथ से निकल गई तो तुम अच्छी तरह अपने बाप को जानते हो।
वैसे भी बदला लेने के लिए और बहुत सा मौका पाना, अभी शादी तो होने दो। जा तुम्हें याद होगा मुजफ्फर खान, जब तुम जागीर का कारोबार संभालते थे उस वक्त हमारी जमीनें 9,000 एकड़ थी, और अब जानते हो मैंने ये जमीन कितनी कर दी है? 21,000 एकड़, दुगने से ज्यादा इजाफा किया है मैंने। हालांकि एक औरत हूं, फखर करना चाहिए तुम्हें मुझ पर। मैं जानती हूं, मैं देख रही हूं तुम्हारी शक्ल, जेलस हो, तुम्हें कैसे खुशी होगी, कैसे बर्दाश्त कर सकते हो एक औरत की बर्तरी। काश काश तुम देख सकते बाहर निकलकर कि दूर दूर तक मुझे चैलेंज करने वाला कोई नहीं। किसी में मेरी तरफ नजर उठाने की हिम्मत नहीं, सब मुझे मालकिन कहते हैं, बड़ी मालकिन। बड़ी मालकिन, ये खत आया है। कहां से आया? पता नहीं मालकिन, मुझे पढ़ना तो नहीं आता है। सब खैरियत है मालकिन? ये औरत अभी तक जिंदा है। कौन औरत मालकिन? वही औरत जो मेरे बेटे को खा गई। अब 18 साल बाद इसको अपनी बेटी की याद आ रही है। किसी ने ठीक ही कहा है, जब चिमटी की मौत आती है तो उसके पर निकल आते हैं। ये छुट्टी मालकिन की वालिदा का खत है? नहीं, उसके वकील का खत है। महनूर मांग रही है मुझसे। तो क्या आप छुट्टी मालकिन चली जाएंगी? रेंगोल, ऐसा बोलना तो क्या, कभी सोचना भी मत। मेरा कहना नहीं माना तुमने, उस वक्त उसका काम तमाम नहीं किया। अफसोस है मुझे आज तक इस बात का। मालकिन, मुझे उस औरत से कोई हमदर्दी नहीं थी, मुझे तो सिर्फ छोटे खान जी का ख्याल आया था, क्योंकि वो उससे बहुत मोहब्बत किया करते थे। ये तुम्हारे छोटे खान की वजह से ये सब कुछ हो रहा है आज। रहीम गोल, सारी इंफॉर्मेशन लो इस वकील के बारे में, और ये भी पता करो कि वो बदसात औरत कहां रह रही है आजकल। जो हुक्म मालकिन। और रहीम गोल, इस खत के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, खास तौर पर वलीद खान और आबिद खान के कान में तो बिनक नहीं पड़नी चाहिए, समझे? ठीक है मालकिन। रहीम गोल, सुल्तान का पता करो। तो फिर अब क्या सोचा? सोचना क्या है, मौत दिखाकर पुकार पे राजी करना पड़ेगा बीजान को। मालकिन, आप ये बताएं इस औरत का करना क्या है?
इसको मेरी नजरों से दूर करना है। साहब, बेगम साहबा का और उनके वकील का जान खतरे में, आप उस वकील को बोलो कि अपनी हिफाजत का बंदोबस्त कर ले। महल मना रहे आंख बना ले, महल मना रहे लाख बना ले, दिल न बसा तो क्या, इश्क तबंदे आ पढ़ ले बल्ला, इश्क खुदा तेरा। सब कुछ है यही रह जाना, चित बना दे जीत करा दे, यार मेरा साया, नांझण मेरा माही मेरा ढोल मेरा साया।